कहाँ है रास्ता? ये नहीं पता भाई, रास्ता ही नहीं है तब कहाँ चढ़वाई जा रहे हो तुम लोग। यो भीड़ देखो, मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सभी को राम राम भाइयों, मैं हूँ रोहित मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। और जैसे कि भाइयों को मैं बता दूँ कि जो नवरात्रि चल रही है, आज उसका पांचवा दिन है। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। और आज हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं, जो आधा चंडीगढ़ में उपस्थित है और जो पूरा हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा है वो अपने पंचकुला में स्थित है। तो आज हम आपको दिखाएंगे माता मनसा देवी के दर्शन, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए व्लॉग में। और चलिए शुरू करते हैं। Let's go! तो भाइयों, मनसा देवी तो पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे मार्केट भी आ गई, यहीं पे आगे जाके भी हम प्रसाद लेंगे। और अगर मैं दर्शन का बताऊं तो यहाँ पे VIP के लिए ये दो बोर्ड इन्होंने लगाया हुआ है, एक ये तंबूसा इन्होंने लगाया हुआ है कैंप सा। इसमें टोकन कटवाना पड़ेगा आपको पहले। सुगम दर्शन का जो है वो 500 रुपये चार्जेस है, और नॉर्मल जो दर्शन रहता है उसके 100 रुपये चार्जेस ये लोग ले रहे हैं यहाँ पे, जो ठीक है VIP दर्शन के लिए लगता है यहाँ पे। और जो हमारी तरह जो नॉर्मल हैं वो अभी हम आपको बाद में बताएंगे, जो जितनी बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगने वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं भाई शुक्ला जी के पास। आप जब भी आओ तो यहीं पे अपना प्रसाद लिया करो, शुक्ला जी का जो भी रहता है सबसे बढ़िया रहता है। तो पहले प्रसाद लेते हैं, फिर अंदर ये मंदिर के रास्ते पर चलते हैं। भाइयों, प्रसाद ले लिया हमने, और अब ये रास्ता है मंदिर का। भाइयों, अगर मार्केट दिखाऊं तो आपको यहाँ से, आप यहाँ से हर कुछ खरीद सकते हो, सारा खिलौना उलौना, औरतों का श्रृंगार, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन अभी जो देखने की भीड़ कितनी रहेगी वो सबसे मायने रखती है। भाइयों, सबसे पहले ये देखो कितनी भीड़ है, और वहाँ से हमें लाइन लगानी पड़ेगी। चलो भाई लाइन के लिए पहले, भाई बहुत लंबी लाइन है। भाइयों, ये देखो इतनी लंबी लाइन पर हमें नहीं मिली, कहाँ से चढ़ के जा रहे हैं हम लोग, पिछले रास्ते से। इधर देखो भाइयों, चल भाई चल चल जल्दी चल, कहाँ है रास्ता? ये नहीं पता भाई, रास्ता ही नहीं है तब कहाँ चढ़वाई जा रहे हो तुम लोग। ये देखो भाइयों, माता मनसा देवी मंदिर देव, कहाँ से जा रहे हैं हम लोग। यही होता है लोकल का फायदा भाई, ध्यान से। भाइयों, कम से कम 5 किलोमीटर लंबी लाइन, जिसमें अगर हम अभी खड़ गए तो कल सुबह से पहले हमारा नंबर नहीं आने वाला। इस करके ये शॉर्टकट तरीका लिया है। ये पटियाला मंदिर के एकदम बैक साइड से ये रास्ता जाता है, और जो एसी वाला, जो लोकल होंगे उनको पता होगा, जो एसी वाला जो है लंगर भवन, उसके बैक साइड से होके ये रास्ता जाता है। अभी देखो वहाँ चढ़ना पड़ेगा हमें। पक्के रास्ते में आ चुके हैं यहाँ से घूम के, और ये देखिए गाइस पटियाला मंदिर। आज हम दर्शन कैसे भी करके रहेंगे, आज किसी तरह तो दर्शन करना ही है, निराश नहीं रखेंगे आप सभी को। हम वैसे ही घर जा रहे थे निराश होके कि इतनी लंबी लाइन है, कम से कम 4 किलोमीटर की लाइन है माता मनसा देवी में, ठीक है। और ये और हमने प्रसाद ले लिया था, प्रसाद हमने ले चुके हैं। तो हम क्या करते, प्रसाद वैसे तो लेके जा नहीं सकते थे, हमने कैसे भी जुगाड़ बनाया, पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के जंगल के रास्ते हम आए हैं। आप हमारे ब्लॉग में देख लोगे अभी। अब हम कोई तो मंदिर मिलना चाहिए माता मनसा, ये तो ये माता मनसा देवी का ये दूसरा मंदिर है, ये भी सबसे पुराना है, पाटलिपुत्र मंदिर है, पटियाला मंदिर। अच्छा, पटियाला मंदिर है। खाऊं तो अभी जैसे एक एसी वाला लंगर भवन था, एक ये पटियाला भवन भंडारा भवन है। ये देखिए इतनी लंबी लाइन, और लाइन देखिए गाइस, ये लाइन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। बनवाया था
ये लाइन सिर्फ यही खत्म नहीं होती, इसके अंदर एक गार्डन है और गार्डन के अंदर से लाइन, ये दर्शन की लाइन, ये देखिए ये भंडारे की लाइन है गाइस। तो गाइस मेन मंदिर तो हम घूम नहीं पाए, अरे लेकिन पटियाला मंदिर हम आपको जरूर दर्शन कराएंगे। और यही रास्ते जाते हैं मेन मंदिर को, लेकिन क्या हाल है ये देख लो आप। यो भीड़ देखो, मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ सबसे पहले। ये पता नहीं कैसे दर्शन मिलेंगे, बोल साचे दरबार की जय। तो भाइयों मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, किसी तरह भीड़ में हमने दर्शन तो कर लिए। एक ख़ास बात बताता हूँ, मैंने अपने यहाँ पे कैमरा ऑन करके मैंने स्टार्ट करके रखा, आधी क्लिप में डाल दूंगा क्या कैसे रखा मैंने। अंदर मंदिर पे पूरे दर्शन किए मैंने, और जहाँ पे एकदम से मुँह पे वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैमरा क्लोज हो गया, कैमरा क्लोज हो गया। जो माता जी के जो दर्शन मैंने आपको कराने थे वो नहीं हो पाया। अब अगर मुझे फिर से कराना पड़ेगा तो मुझे फिर इस लाइन में लगना पड़ेगा। ये भाई से ही भाई पहले आप बताओ क्या कैसा हुआ हमारे साथ वो दुर्गत घटना, कैसे बताइए भाई। हमने मतलब आप सबको दर्शन कराने के लिए कैमरा तो ऑन करके रखा हुआ था, आप वो भी देख लोगे कि कैमरा हिला भी नहीं है, जेब के अंदर ही था और कैमरा ओपन था। बट हमने सोचा कि माता जी का दर्शन आप लोग कर लोगे, लेकिन जब हम बाहर आके देखते हैं और मैं कैमरा निकालता हूँ, कैमरे की वीडियो ऑफ थी, और हमने जो हमारी जितनी भी क्लिक हमारी बनी थी उसको हमने देखा, मतलब सारा हमने 4 मिनट की टोटल चार मिनट की हमारी जो वीडियो बनी वो भी पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है वो बनी मोड। लेकिन जब हमने उसको स्टार्ट किया, पूरा जितना मंदिर था सारा हमने उसमें घूमा, सारा क्लिप आया, लेकिन जैसे ही माता जी की मूर्ति आती है वो क्लिप गायब, कैमरा उसका ऑफ हो गया। हम मतलब सोच रहे हर एक मंदिर के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, को अयोध्या वाले व्लॉग में आपको बताया था कि वहाँ पे हनुमानगढ़ी में अलाउड था, परमिशन मैंने लेके वहाँ कर दी थी, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं हुआ। लेकिन मैंने तब भी किया और तब भी ऑटोमेटिकली कैमरा बंद हो गया। अब इसे माता जी के क्या कह लो आप, चमत्कार है या जो है, तब यही है इस कारण आपको दर्शन नहीं हो पाया। और जो मेन मंदिर है, जो माता जी का मेन मंदिर, जो वहाँ के लोकल है जो जानते होंगे, उनका यही है कि भाई वहाँ पे मेन होता है वो, लेकिन उसके दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि 5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ता। भीड़ दिखाऊं तो ये देखो गाइस, बहुत तगड़ी भीड़ है यहाँ पे भी, ये देखो बाकी मंदिर बहुत खूबसूरत है। तो भाई अब दर्शन कर लिए हमने, और दर्शन करने के बाद कुछ फोटोशूट किया हमने, और अब सीधा जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि जो मंदिर था उसके तो दर्शन हो नहीं पाए, लाइन बहुत लंबी थी। सीधा अब हम घर जा रहे हैं, और जो मनसा देवी का जो मेन मंदिर है उसका हम किसी दिन जब नवरात्रि नहीं रहेगी तब हम आपको उसका दर्शन कराएंगे और पूरा टूर उसका कराएंगे। अभी तो जितना हम आज घूमे हैं पटियाला मंदिर ही हम जा पाए हैं, और जितना भी रहेगा ब्लॉग बनाएंगे हम पूरा, जो मनसा देवी का रहेगा सब कुछ पूरा शूट करके हम आपको दिखाएंगे। तो भाइयों ये रहा मेन मंदिर का दरवाज़ा, और वो रहा सामने मंदिर आगे, वो जहाँ झंडे आपको दिख रहे हैं वहाँ पे। और मंदिर का तो दर्शन नहीं कर पाया हम, लेकिन अभी यहाँ से पटियाला मंदिर के दर्शन करके अब ये मार्केट में आ चुके हैं हम लोग। बस अब अपने स्लीपर्स लेके फिर हम अपने जा रहे हैं घर, और फिर कभी नेक्स्ट
हम आएंगे तो आपको जरूर ये पूरा ब्लॉग इसका जितना भी टूर रहेगा हम आपको दिखाएंगे। छुट्टी वाले दिन आएंगे लेकिन नवरात्र में नहीं, नवरात्र के नॉर्मल डेज में आएंगे। संडे को ही आएंगे हम हमेशा, और क्योंकि संडे को हमारी भी छुट्टी रहती है। और अगर मैं आपको तो ये देखो गाइस कुछ लेते यार, तो भाइयों दर्शन हो चुके हैं और मंदिर से बाहर देता हूँ मैं आपको, ये मंदिर से बाहर आगे जहाँ से हमने प्रसाद लिया था शुक्ला जी के पास, और बहुत कर लिए दर्शन हमने। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।